हाय मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जिस टॉपिक को आ गए हूँ उसको भी बहुत लोग जानने के लिए चुके हैं। और गाइस, आप लोगों का भर भर ये कमेंट आता है कि भैया ऐसा कोई कॉलेज बताइए जो 2023 के कैंडिडेट है। ऐसा मुझसे बार बार पूछते हैं कि ऐसा कोई सरकारी कॉलेज बताइए जिसमें हमें कभी जाना ना पड़े, मुझे वाइवा प्रैक्टिकल या और चीज़ों में जो है पार्टिसिपेट ना करना पड़े, मुझे टीचिंग ना जाना पड़े। और जानते हैं गाइस, अगर एक स्टेट रैंक से और 75,000 रैंक के बीच में जितने भी लड़के पार्टिसिपेट करते हैं या जितने भी लड़के क्वालिफाई होते हैं, वो अपने आप में ब्रांड होते हैं और वो कहीं ना कहीं तैयारी करते रहते हैं, तभी उनको इनका रैंक जो है एक स्टेट रैंक से 75,000 रैंक के बीच में आता है। तो इनकी बार बार ये क्यूरियोसिटी रहती है कि भैया ऐसा कॉलेज बताइए जिसमें हमें कुछ भी ना करना पड़े और मेरा जो है कम से कम पैसे में जो है सरकारी कॉलेज से जो है बीएड भी हो जाए। तो मैं इसी टॉपिक पे आया हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि वो कॉलेज कहाँ पे है। और ये कॉलेज जो है आपका सैफई में है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। और ये कॉलेज आपका सैफई में है, जो इटावा सैफई इटावा में है। इसका पूरा नाम जो चरण सिंह पीजी कॉलेज सैफई इटावा करके है। और ये शिवपाल चाचा जी का कॉलेज है जो कि बहुत नामी जाने विधायक और सांसद रह चुके हैं। तो इनका कॉलेज, इसमें आपको किसी भी चीज़ में किसी भी, क्योंकि इस कॉलेज में मेरे दो कैंडिडेट जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में पढ़ भी रहे हैं और दो से तीन कैंडिडेट मेरे सीनियर जो थे वो पढ़ के निकल भी चुके हैं। तो ये कॉलेज ऐसा है, इसमें आपको किसी भी बीएड की किसी भी एक्टिविटी में नहीं भागना पड़ेगा। और ये कॉलेज चौधरी चरण सिंह, वो क्या नाम है उसका, कानपुर यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और ये कॉलेज बहुत अच्छा है और बहुत नामी जामी कॉलेज है। और सीटों की संख्या अगर मैं बात करूँ तो किस सीट कितनी है, तो सीट इसमें जो है वो 200 सीटें हैं। और फीस की मैं बात करूँ तो फीस कितना लगता है, तो 7,000 लमसम फीस लगता है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने लगेंगे तो आपका 5,000 एडवांस फीस लगता है। और जो भी फीस और आपका एक्स्ट्रा रहेगा या कम रहेगा तो वो आपका फीस आपके कॉलेज के हिसाब से, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी करवाई रहेगी जिस ईयर में काउंसलिंग, वो आपको लौटा देगी। लेकिन अगर आप कॉलेज से भी कहीं कहीं मिल जाता है, तो अगर आप अगर इस कॉलेज को चूज करते हैं तो आपका बहुत अच्छा है। और इलाहाबाद के जितने लड़के तैयारी करने वाले उनका भी यही जिज्ञासा आ रही थी कि भैया ऐसे कॉलेज को ढूंढ के लाइए। तो ये कॉलेज एकदम जेन्युइन है और इस वीडियो को बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर आदमी को टारगेट करके बनाने से कि इस कॉलेज में ऐसा ऐसा है, क्योंकि कोई अपने कॉलेज का मतलब बदनामी नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन मुझे लगा कि जो चीज़ रियलिटी है उसको जनता के सामने लाना चाहिए। और जो तैयारी करने वाले, जैसे कि मैं भी तैयारी करने वाला हूँ, तो मैं एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट की फीलिंग या जो इमोशन को समझ सकता हूँ और जान सकता हूँ कि क्या क्या लड़कों की दिक्कत होती है। वो चाहते हैं कि मेरा कम पैसे में बीएड भी हो जाए और इसके बाद जो है हमें सरकारी बीएड भी हो जाए और कम पैसे में हो जाए। तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप बहुत बहुत अच्छा है, आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप इलाहाबाद या मिर्ज़ापुर या इधर सब साइड के हैं तो जान लीजिए कि आप ऐसी सारी ट्रेनें भी चलती हैं यहाँ पे कि आप जो है रात में पकड़ेंगे और सुबह अपने कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं। और ये इटावा जो स्टेशन है उससे जो है 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और कॉलेज का कैंपस इतना अच्छा है, पढ़ाई के मामले में भी अच्छा है, लेकिन लड़के जो है थोड़ा राजनीतिक आ जाता है उसमें मुद्दा। और कभी शिवपाल चाचा जी का जो है इधर उधर उसमें मीटिंग होती रहती है और खासकर उन्हीं का कॉलेज है, तो उनकी वजह से थोड़ा कॉलेज की जो पढ़ाई होती है वहाँ पे जो है एकदम थोड़ा लो मॉडल में होती है। और किसी चीज़ में अगर आप थोड़ा भी बहुत मैं खुल के आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यादव कैटेगरी के हैं तो आप जान लीजिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल में पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन जो और भी कैटेगरी के लड़के हैं, जैसे जनरल के हो गए या SC ST के हो गए, उनके लिए भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दो लड़कों के साथ होगा वही सबके साथ होगा। तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, आप अगर ऐसे कॉलेज को चूज करना चाहते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और मेरे मामले में वो कॉलेज अच्छा है। और इस समय मेरे प्रेजेंट टाइम में जो है दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलाहाबाद रह के तैयारी भी करते हैं और साथ में कॉलेज भी अटेंड करते हैं। अगर आप हफ्ते में भी एक दिन चले गए तब भी आपका जान लीजिए मैनेज हो जाएगा। और जैसा कि गाइस जानते हैं, जिस कॉलेज में जो है कम सीटें रहती है, जैसे मैं अपने कॉलेज की बात बताऊं कि 50 से 55 सीटें हैं, तो उसमें जितने भी टीचर हैं वो एक दूसरे का नाम जान जाते हैं या हर पीरियड में अटेंडेंस होता है। लेकिन जब ऐसा 200 लड़कों का एक एक कॉलेज बीएड के विभाग का, तो उसमें टीचर भी थोड़ा टाइम बचाने के लिए जैसे रोज हर पीरियड में अटेंडेंस नहीं लेते। मेरे यहाँ अटेंडेंस होने का यही कारण है कि 55 लड़के हैं तो उनको 10 से 15 मिनट लगता है, वो अपना जो है अटेंडेंस ले लेते हैं। और मेरे कॉलेज का थोड़ा भौकाल भी अलग है, उनको उन सबको पढ़ाई करवाने में या पढ़ाई करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ जो चौधरी चरण सिंह PG कॉलेज सैफई इटावा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और लड़के जो है
लड़के ज्यादा होने की वजह से टीचर बहुत मतलब घबराते हैं और सोचते हैं कम से ही कम लड़के आए तो ज्यादा सही है, और किसी का नाम या ऐसा कुछ जो है वो चीज रखते भी नहीं है। और अच्छा कॉलेज है अगर आप चूज करना चाहते हैं और तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, जैसा कि 2023 के जितने भी कैंडिडेट हैं जानते हैं कि 24 में आपका चुनाव है, और चुनाव की वजह से जो है आपकी आपको तैयारी करना बहुत ज्यादा नेसेसरी रहेगा। और अगर आप तैयारी नहीं करते तो चुनाव में जैसा कि जानते हैं यूपी में ऐसा ही कुछ सीन चल रहा है कि जब जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन लोकसभा का हो या लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, दोनों में तभी वैकेंसियाँ आती हैं जब जो है इलेक्शन का टाइम रहता है। तो इस समय आपका 24 में इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, तो आप लोग जो है इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं और सरकारी कॉलेज में और कम पैसे में जो आप बीएड भी कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं किसी भी सिटी में रह के। अगर आप कानपुर साइड के हैं या इटावा साइड के हैं या फिर इलाहाबाद साइड के कहीं के भी हैं तो आप जा सकते हैं। यहां तक मैं आपको ये भी रियलिटी बताऊं, मैं जहां आजमगढ़ में रहता हूं वहां का एक लड़का था, मुझे एक दिन मिला था तो वो बोल रहा था कि मैंने वही कॉलेज को चूज किया, वहां वही सुविधा। इसी वजह से जो दूर दूर के लड़के हैं जो उस कॉलेज के बारे में जानते हैं वो सब वही प्रेफर करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और 2023 के अगर आप कैंडिडेट हो, आपके मन में और भी कोई जिज्ञासा चल रही हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू आप पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं अधिकतर हर कमेंटों का रिप्लाई करता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय इंडिया, जय प्रयागराज, जय संगम नगरी। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जय हिंद।